आज विजयादशमी है, ऐसे में लंबे समय से श्री राम जन्मभूमि पर विवाद के बाद भक्त राम मंदिर के बनने का इंतजार कर रहे हैं। तो अब ये इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख सामने आ चुकी है। जी हाँ, आज विजयादशमी पर निकलने वाली नौवीं श्री राम विजय यात्रा के मौके पर आए अयोध्या राम जन्मभूमि के मुख्य महंत आचार्य सत्येंद्र दास महाराज ने कहा कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से की जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम नेता व संत कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा की तिथि निश्चित होने के बाद तैयारियां तेजी से शुरू कर दी जाएगी। प्रथम तल पर रामलला को विराजमान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या राम मंदिर में वहीं लोग पहुंचते हैं जिन पर राम की कृपा होती है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो विरोधी हैं वो कभी कल्याण नहीं चाहते। हालांकि भारत देश महान है और जो लोग देश का विरोध करते हैं उनकी मानसिकता संतुलित नहीं है, इसलिए वह यह विरोध करते हैं जो कि निंदनीय है। इसी के साथ सनातन धर्म पर टिप्पणी वाले सवाल पर महंत ने कहा कि जो लोग सनातन धर्म को नहीं जानते हैं ऐसे लोग राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। जो राक्षस समाप्त हो गए थे अब उनके कुछ अवशेष बचे हैं और उसी विचारधारा के हैं। जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं वो अधर्मी हैं और जो अधर्मी हैं वो रावण कुल के हैं और विरोधियों का नाश होगा। वहीं ज्ञान व्यापी के सवाल पर श्री दास महाराज ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद ने जो आंदोलन किया था वह 3 मंदिरों की मांग को लेकर किया था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम और शिव की जन्मभूमि है उसको समझौते से वापस कर दे तो जो हमारे बीच भाईचारे की सद्भावना की बात है वह चलती रहेगी। इतना ही नहीं, कोर्ट को जब सबूत मिले कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है तो कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। इसी तरह ज्ञानवापी मामले में जितने भी सबूत मिले हैं उसके आधार पर मंदिर के पक्ष में ही निर्णय तय होगा। इस खबर पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।